आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को फील किया होगा कि जब भी आप किसी इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए LIC ऑफिस में बड़ी अमाउंट का चेक जमा करते हैं तो वो बैंक जाने के बाद बहुत सारे रीजंस दिखाकर उसको डिसऑनर कर दिया जाता है या फिर पेमेंट को होल्ड कर पर रखा जाता है। आज इंडिया में पॉजिटिव पे सिस्टम लागू हो चुका है। 50,000 एंड अबव पर कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स कस्टमर को फिलअप करने होते हैं, या तो वो SMS के थ्रू या डायरेक्ट बैंक कॉल के द्वारा या फिर इंटरनेट बैंकिंग या SMS बैंकिंग के द्वारा या फिर मोबाइल बैंकिंग के द्वारा उसको कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भरने होते हैं, तभी वो चेक क्लियर होता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे बहाने बनाकर बैंक पैसे को इंश्योरेंस कंपनियों को ट्रांसफ़र नहीं करता, विशेषकर LIC को ये ट्रांसफ़र नहीं करता, यानी LIC में वो पैसे जाने नहीं देता है। इससे LIC एडवाइजर्स को और कस्टमर्स को भी बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। सिक्योरिटी रीजन से पॉजिटिव पे सिस्टम लागू किया गया है, जो कि ज़रूरी भी है और एक अच्छा कदम है, लेकिन इसकी आड़ में बैंक्स को कस्टमर्स और इंश्योरेंस एडवाइजर्स को दिक्कतों में नहीं ढालना चाहिए, असुविधाओं में नहीं ढकेलना चाहिए। सभी बैंक ऐसा नहीं करते हैं, बहुत सारे बैंक हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, इजीली पेमेंट कर देते हैं, पॉजिटिव पे सिस्टम के बावजूद वो कॉल करते हैं या फिर SMS के थ्रू इन्फॉर्मेशन देने के बाद वो इजीली पेमेंट कर देते हैं। लेकिन कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो कस्टमर्स को बुलाते हैं, उनको समझाते हैं और अपने बैंक के थ्रू इंश्योरेंस पॉलिसीज या दूसरे प्रोडक्ट सेल करने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से उनके पास इंश्योरेंस एडवाइजर्स से अधिक नॉलेज नहीं होती और कस्टमर्स मिससेलिंग का शिकार भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना ज़रूरी है, मैं बता दूँ कि यदि आप इस झमेले से बचना चाहते हैं, चेक क्लियरेंस में जो दिक्कतें होती हैं उनसे बचना चाहते हैं, कभी कभी सिग्नेचर मिसमैच भी होता है या बहुत सारे जेन्यून रीज़न भी होते हैं जिससे चेक डिसऑनर हो जाते हैं, तो इनसे बचने के लिए आप अपने ऑफिस से अकाउंट नंबर ले लें और डायरेक्ट आप लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC को ही RTGS या NEFT कर दें और उसके बाद आप उस अमाउंट को यूज़ कर सकें। चूँकि आप ऑफिस में पेमेंट हो चुकी है, अब वो आपके ऑफिस में आ चुकी पैसे, आप वहाँ से फिर न्यू बिजनेस जो भी प्लान आप करना चाहते हो, यूनिट प्लान करना चाहते हो या एंडोमेंट प्लान करना चाहते हो या टर्म इंश्योरेंस करना चाहते हो, जो भी प्लान आप करना चाहते हो फिर वहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। आप में से जो भी बैंक जाता है, वहाँ जाने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि बैंक में अलग से कुछ लोग बैठे होते हैं, दरवाजे के पास ही बैठे होते हैं या आसपास ही होते हैं, और जो कस्टमर्स होते हैं उनको वो पकड़कर उनको क्रेडिट कार्ड के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर अगर वहाँ से वो रिक्वेस्ट ना कर सके तो जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन ट्रांजेक्शन्स को देख कर बैंक के कर्मचारी फिर उन बड़े कस्टमर्स को कांटेक्ट करते हैं और उनसे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और कभी कभी फोर्स भी करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये फोर्स सेलिंग होती है, ज़बरदस्ती पॉलिसी सेल करना। इसके अतिरिक्त कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लोन लेने के लिए बैंक गया, जो कि बैंक का काम है लोन देना, तो उन लोन लेने वाले कस्टमर्स को वो इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए फोर्स करते हैं। तो यहाँ पर भी फोर्स सेलिंग होती है और अक्सर ऐसे प्रोडक्ट उनको दे दिए जाते हैं जिनकी उनको आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ पर मिस सेलिंग भी होती है। तो मिस सेलिंग और फोर्स सेलिंग दोनों ही यहाँ पर होती है। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर कस्टमर्स को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, बाद में एक वर्ष दो वर्ष चलाने के बाद यदि वो पॉलिसी को बंद कर देते हैं तो इंश्योरेंस रूल्स के हिसाब से जब वो पूरी नहीं चलाते हैं तो उनको जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो भी रिटर्न नहीं मिलते, और दो चार साल पाँच साल बीत जाने के बाद उनको पछताने के अलावा उनके पास कोई उपाय नहीं बचता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बैंक के कर्मचारी बाइक में एक या दो व्यक्ति मिलकर निकल जाते हैं और जो बड़े कस्टमर्स होते हैं, बड़े अमाउंट जिनके इन्वेस्टेड होता है बैंक में, या जो HNI होते हैं उनके घरों में वो विजिट करते हैं, घरों में जाते हैं और उनको इंश्योरेंस पॉलिसीज, हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, इन दूसरी चीज़ों के बारे में उनको समझाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं पॉलिसी लेने के लिए, क्योंकि उनके पास करंट अकाउंट होता है या फिर लोन भी चल रहा होता है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अक्सर वो पॉलिसीज ले लिया करते हैं। आज बैंकिंग सेक्टर के थ्रू लगभग 17% न्यू बिजनेस लाइफ इंश्योरेंस की हो रही है, बैंक के थ्रू ही हो रही है, और लगभग जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं वो बैंकों को अपना कॉरपोरेट एजेंट बनाती है। LIC की भी बहुत सारे बैंकों के साथ टाई अप है, वो उनको अपना कॉरपोरेट एजेंट बनाई है। आज लाइफ इंश्योरेंस के जो एजेंट्स हैं, एजेंट्स तो काम कर ही रहे हैं, एडवाइजर्स तो काम कर ही रहे हैं, साथ ही बैंक के थ्रू भी इनका बिजनेस हो रहा है और वो बैंक को अपना कॉरपोरेट एजेंट बनाकर अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है,
जिस तरह से एक आम एजेंट काम करता है वैसे ही बैंक भी एक एजेंट के रूप में काम करता है। लेकिन बैंकों को एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिल जाती है कि उनके पास कस्टमर्स डायरेक्ट आते हैं, क्योंकि बैंक सभी के लिए आवश्यक है, ज़रूरी है। बैंक लोन लेने के लिए ज़रूरी है, पैसे अपने एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने के लिए ज़रूरी है, ट्रांजेक्शन्स के लिए ज़रूरी है, अपने कुछ पैसों को सेफ रखने के लिए ज़रूरी है। जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है वो बैंक के थ्रू ही होता है, चाहे वो इंश्योरेंस मार्केट हो या फिर म्यूचुअल फंड हो, सारे ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू ही होंगे। तो डायरेक्ट कस्टमर वहाँ पहुँचते हैं और इसी का लाभ उठाकर वो इंश्योरेंस पॉलिसीज सेल करते हैं। अब जब IRDA ने इस चीज़ को देखा कि चीज़ें बढ़ती गईं और आज मिस सेलिंग और फोर्स सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है बैंकों के थ्रू, बैंकों के इंश्योरेंस पॉलिसीज को सेल करने के लिए एक गाइडलाइन बनी हुई है। उनका अलग एक काउंटर होना चाहिए, उनके लिए अलग एक लीगल सिस्टम होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत सारे उनके लिए नियम और कानून बने हुए हैं। लेकिन देखा गया है, IRDA ने इस चीज़ को फील किया, इस चीज़ को देखा कि ये इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसी कारण IRDA ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और निश्चित रूप से ये कदम सभी इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए लाभकर सिद्ध होगा जो इंडिविजुअली काम करते हैं। IRDA ने 16 मेंबर्स का एक कमेटी गठन किया, 16 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई जिसके हेड जे मीना कुमार को बनाया गया, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं IRDA लाइफ की, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और उनको लेकर 16 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई, एक टास्क फोर्स बनाया गया जो इन सब चीज़ों की निगरानी करेगी, इनको देखेगी और फ्यूचर में इनमें क्या सुधार की आवश्यकता है, किस तरह से इस पर निगरानी रखी जाए, इस मिस सेलिंग और फोर्स सेलिंग को रोकी जाए, साथ ही इसमें क्या सुधार किया जाए। बैंक के थ्रू तो चूंकि पॉलिसीज तो सेल होंगे ही, निश्चित रूप से आने वाले समय में बैंक के थ्रू ही पॉलिसीज सेल होंगे, इंडिविजुअल एजेंट्स भी रहेंगे, लेकिन बैंक भी चूंकि कॉरपोरेट एजेंट के रूप में काम करेंगे, लेकिन उनको किस तरह से सुधारा जाए जिससे कि मिस सेलिंग ना हो, तो इसके लिए भी वो कुछ एक्शन लेंगे, उसके लिए कुछ नए सिद्धांत, नए रूल्स, नए रेगुलेशंस लाएंगे और साथ ही कॉरपोरेट एजेंट के जो नए रूल्स हैं उसमें भी वो सुधार की जो आवश्यकता होगी उसको वो देखेंगे कि उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है और उसके अनुरूप वो आगे की कार्रवाई करेंगे। तो IRDA का ये कदम निश्चित रूप से बैंकों के लिए भी लाभकारी होगा, बैंक का जो अपना खुद का काम है जिस तरह से वो प्रभावित हो रहा है, बैंक के कर्मचारी चूंकि न चाहते हुए भी, बैंक के कर्मचारी नहीं चाहते हैं कि वो इंश्योरेंस पॉलिसीज या दूसरी चीज़ों के लिए घर घर घूमे, लेकिन उच्च अधिकारियों के दबाव में उनको जाना पड़ता है, उनको काम करना पड़ता है, तो बैंकों के कामकाज में भी सुधार होगा, बैंकों के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं इससे। जब कर्मचारी इंश्योरेंस पॉलिसीज और म्यूचुअल फंड और दूसरी चीज़ों के सेल में लगेंगे तो निश्चित रूप से बैंकों के जो खुद के काम हैं वो प्रभावित होंगे, तो बैंक में भी सुधार होगा। IRDA के इस अच्छे कदम से बैंक के काम में भी सुधार होगा और जो कस्टमर्स हैं जिनको ना चाहते हुए भी पॉलिसी लेनी पड़ती है उनको भी राहत मिलेगी, और साथ ही जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं जो अपना खून पसीना एक करके ट्रेनिंग लेते हैं, इंश्योरेंस के बारे में सीखते हैं, जानते हैं और कस्टमर्स को सर्विसिंग देते हैं, जो इंडिविजुअल गरीब एडवाइजर्स हैं उनको निश्चित रूप से लाभ होगा। और बैंकों के रवैये जब सुधर जाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका सबसे अधिक लाभ इंश्योरेंस एडवाइजर्स को होगा और उनकी पॉलिसीज़ बढ़ेंगे। जब एक हेल्दी कंपटीशन होगा बैंकों के साथ तो जो ट्रेंड इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं निश्चित रूप से वो आगे निकलेंगे, क्योंकि उनकी नॉलेज उनसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये अलग से ट्रेनिंग लेते हैं, एग्ज़ाम पास करते हैं और लगातार कंपनियां इनको ट्रेनिंग देती है, LIC के बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर्स पर इनको ट्रेनिंग दी जाती है और ये ट्रेंड एडवाइजर्स होते हैं, तो इनके सामने वो टिक नहीं पाएंगे। साथ ही अभी SEBI को भी चाहिए कि IRDA की तरह ही कुछ कदम उठाए। IRDA जिस तरह से इसको नकेल लगाने के लिए ये जो कदम उठाई और इस पर निगरानी के लिए एक कमेटी बनाई, एक टास्क फोर्स का गठन किया, वैसे ही SEBI को भी चाहिए कि इसी तरह का एक टास्क फोर्स का गठन करे, क्योंकि अभी सभी बैंकों में म्यूचुअल फंड सेल हो रही है। कोई अगर एक वर्ष या दो वर्ष के लिए बैंकों में FD करने के लिए जाता है तो वहाँ वो उनको म्यूचुअल फंड दे देते हैं, यूलिप प्लान्स दे देते हैं इंश्योरेंस की, तो IRDA चूंकि इस पर नज़र रख रहा है, SEBI को भी नज़र रखनी चाहिए कि कोई अगर बैंकों में FD करने जाता है तो उसको समझा कर या उसको फोर्स करके वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करवाए, क्योंकि म्यूचुअल फंड का अलग कॉन्सेप्ट होता है, बैंक के जो FD होते हैं उनका अलग कॉन्सेप्ट होता है, बैंक के FD में गारंटेड रिटर्न होता है जबकि म्यूचुअल फंड मार्केट रिलेटेड उसमें रिस्क होता है। तो इस तरह से SEBI को भी चाहिए कि इस तरह का एक टास्क फोर्स का गठन करे जो कि इस चीज़ की निगरानी करेगी कि यदि लोग बैंकों में इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं तो उनको फोर्स करके या रिक्वेस्ट करके उनको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना कराया जाए। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी और आप एक अपने आप को पॉजिटिव फील कर रहे होंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय
आने वाले समय में इंश्योरेंस एडवाइजर्स को बहुत अधिक लाभ होने वाला है, क्योंकि सिर्फ बैंक ही नहीं, आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लॉन्च होने वाली है, बहुत सारे ऐसे रेगुलेशंस आने वाले हैं जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स को ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, और उसकी जानकारी फाइनटेक गाइड आपको अवश्य देगी। तो फाइनटेक गाइड के साथ आप लगातार बने रहें, इसके हर वीडियोज़ को देखें, इसके प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे आपको बहुत सारे सेगमेंट मिलेंगे, उन सेगमेंट को आप ठीक से फॉलो करें, इस कम्युनिटी को ग्रो करें। ये कम्युनिटी एक वर्ष के अंदर लगभग 8,000 तक पहुंच चुकी है और आने वाले समय में ये और अधिक ग्रो करेगी। तो आप इस कम्युनिटी के साथ जुड़े रहें और जितनी कम्युनिटी बड़ी होगी हम उतना ही क्वालिटी वीडियोस आपको प्रदान करेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। साथ ही इस वीडियो को ज़रूर सभी एजेंट फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। यदि आप डीओ हैं तो अपने एजेंट ग्रुप्स में शेयर करें, यदि आप एजेंट हैं तो अपने ऑफिस के ग्रुप में शेयर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक एजेंट्स तक फैलाएं, जिससे कि सभी लोग इस चीज़ से पॉजिटिव फील कर सकें और आने वाले समय में और अधिक मन लगाकर काम कर सकें। थैंक यू एंड बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड बी प्रोग्रेसिव।